नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ IFMS 3.0 के अंदर DDO ID से लॉगिन करके हम कर्मचारियों के जो इंक्रीमेंट है वो कैसे लगाएं। दोस्तों, प्रोबेशन पीरियड कर्मचारियों को छोड़ के बाकी के कर्मचारियों को जैसे हम पे मैनेजर पे इंक्रीमेंट अपडेट करते थे, उसी प्रक्रिया में IFMS 3.0 के अंदर इसको कैसे अपडेट किया जाएगा, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, हमें IFMS 3.0 के अंदर DDO ID से लॉगिन कर लेना है, और उसके बाद में दोस्तों हमें इसके लिए हमारे पास में 7th पे कमीशन चार्ट, ये आप जो देख रहे हैं ये होना चाहिए। अगर आपके पास में नहीं तो आप गूगल पे 7th पे चार्ट राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉई लिख के आप डाउनलोड कर सकते हो, और इसके अंदर आप ये देख सकते हो। जैसे मान लो किसी कर्मचारी L5 में है और उसकी बेसिक 20,800 है, तो उसके आगे के सेल में जैसे इंक्रीमेंट लगाओगे तो बेसिक 21,400 हो जाएगी। और उसी क्रम में जैसे मान लो किसी कर्मचारी L10 में और उसकी बेसिक 33,800 है, और इंक्रीमेंट लगाने के बाद में जो आगे का सेल आपको दिखाई दे रहा है 34,800 बेसिक हो जाएगी। तो ये क्रमानुसार आगे आगे बढ़ती जाएगी। जैसे 2024 में 21,400 है, तो 2025 में इंक्रीमेंट लगाने के बाद में 22,000 यहाँ पे शो हो रहा है L5 में। उसी प्रकार L10 में आगे आगे जो क्रम में जो सेल आ रहे हैं उसी अनुसार इंक्रीमेंट लगता जाएगा और बेसिक आगे आगे बढ़ती जाएगी। तो आप ये अपने पास ज़रूर रखें, और ये 7th पे कमीशन चार्ट है, और इसके बाद में दोस्तों इसी अनुसार आपको अपने ऑफिस से जो कार्यालय से या वेतन वृद्धि का जो ये ऑर्डर निकालने होते हैं, तो सबसे पहले ऊपर कार्यालय का नाम आ जाएगा, फिर आ जाएगा सामयिक वेतन वृद्धि आदेश, और राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेश क्रमांक, और यहाँ पे जो क्रमांक संख्या लिखी हुई है वो आप देख सकते हो। के अनुसरण में इस कार्यालय में कार्ड निम्न कार्मिकों को उनके नाम के समूहांकित अनुसार उनके द्वारा एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 1/7/2024, या फिर कर्मचारी जिनका दिसंबर में जैसे मान लो प्रोबेशन पीरियड पूरा हो रहा है तो उनके लिए 1/1/2024 भी इंक्रीमेंट लगाने के ऑर्डर सरकार द्वारा दिए गए हैं, तो वो भी लिख के आप वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाकर तदनुसार वेतन में भत्ते दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से ये कार्यालय आदेश आप निकाल लें। फिर इसके बाद में जो कर्म संख्या एक आप कई कार्मिकों के भी एक साथ ही ये कार्यालय आदेश निकाल सकते हो। कर्मचारी का नाम आ जाएगा, पद आ जाएगा, स्थायी अस्थायी आ जाएगा, पद का लेवल जो L5-10 जो भी है, वर्तमान वेतन जो वो ले रहा है वो यहाँ लिखा जाएगा, और वर्तमान वेतन वृद्धि जैसे 1/7/2024 या 1/1/2024 जो भी वेतन वृद्धि दिनांक आ जाएगी, भावी वेतन जो बेसिक प्लस इंक्रीमेंट जोड़ने के बाद में जो बेसिक आएगी जो पहले वो ले रहा है, और इंक्रीमेंट जोड़ने के बाद में जो बेसिक आएगी वो यहाँ लिखी जाएगी, और आगामी वेतन वृद्धि जो भी आप उनको इसके एक साल बाद जो मिलेगी वो यहाँ पे लिखी जाएगी। तो इस प्रकार आप कई कार्मिकों के एक साथ ऑर्डर आप यहाँ पे निकाल सकते हो। नीचे प्रमाणित करना है, और इसके बाद में कार्मिक इंक्रीमेंट में विदाउट पे नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ें अपने को देखनी है ज़रूर। और फिर एक कॉपी अपने को ट्रेजरी ऑफिस को, संबंधित कर्मचारी को, और वेतन लिपिक या लेखा शाखा, और यहाँ पे जो DDO है उनके मोहर और साइन आ जाएंगे। इस प्रकार से आपको ये कार्यालय आदेश बनाने हैं, और फिर आपको आ जाना IFMS 3.0 के अंदर वापस। एम्प्लॉई मैनेजमेंट का यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके अंदर हमें टिक करना है, और फिर आपको आ जाना है एम्प्लॉई मॉडिफिकेशन के अंदर, और इसके ऊपर टिक करने के बाद यहाँ पे नीचे लिखा आ रहा है सैलरी इंक्रीमेंट, सैलरी इंक्रीमेंट में अपने को टिक करना है, और उसके बाद अपने पे ईयर्स यहाँ पे साल सर्च करना है 2024 पे मौत जुलाई, और फिर बाद में जो ग्रुप है जिसके अंदर कर्मचारी की सैलरी बनती है उन ग्रुप को सिलेक्ट करना है, और पे कमीशन सेवत लिखना है और सर्च कर देना है। इस प्रकार से जो जो कर्मचारी को आप इंक्रीमेंट लगाना चाहते हो यहाँ पे उनका नाम लेवल सब चीज़ें दिखाई देगी, और एग्जिट बेसिक जो भी पे है जो पहले वो ले रहे हैं जैसे मान लो 35,700 है, तो न्यू बेसिक पे इंक्रीमेंट लगाने के बाद 36,800 हो जाएगी, 37,900 है किसी की तो 39,000 हो जाएगी, 39,000 है तो 40,200 हो जाएगी, ये इंक्रीमेंट लगाने के बाद में होगी। तो सब चीज़ें यहाँ पे शो होगी, और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद में उनको राइट साइड में सबमिट का ऑप्शन है, उस पर टिक कर देना है। यहाँ पे पूछेगा आपने IPR, कर्मचारी ने IPR भर दी है और बाकी की जो भी डिटेल है वो कन्फर्म कर लिया आपने, तो इस पे यस पे टिक करना है, और यस पे टिक करने के बाद में यहाँ पे सक्सेसफुल होके दिखाई देगा, और इसके बाद में आपको यहाँ पे जो एक्सेल शीट डाउनलोड करने का बोलेगा तो आप यहाँ पे कट कर सकते हो। और ये इंक्रीमेंट अपडेट हो चुके हैं, और जिसके लिए आप इनको देखना चाहो तो आप अच्छी तरह चेक कर सकते हो। पे एंटाइटलमेंट लिखा हो उसके अंदर टिक करके आप यहाँ पे कर्मचारी की जो SSID है उसके ऊपर यहाँ टिक करके आप देख सकते हो जिन जिन के कर्मचारी को आपने इंक्रीमेंट या अपडेट किए हैं उनके बेसिक और DA यहाँ पे रिकलकुलेट हुए कि नहीं हुए, आप अच्छी तरह HRA वगैरह चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिक पे टिक करके अपने देख लेते हैं, अगर किसी कर्मचारी के इंक्रीमेंट सही अपडेट नहीं हुआ है तो आप
एक बार अच्छी तरह चेक जरूर करें सैलरी बढ़ने से पहले, और कुछ चेंजिंग करना चाहो तो चेंजिंग कर सकते हो। ये बेसिक है, डीए है, और यहाँ पे एचआरए, और जो भी आप अच्छी तरह कैलकुलेट कर लें। और अपडेट तो हो चुका है सही एकदम। और अगर कोई डिडक्शन वगैरह आप इसमें ऐड करना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो, तो आप डिडक्शन सेंक्शन इंडिविजुअल में जाके, जो सैलरी सेंक्शन है उसके अंदर जाके डिडक्शन इंडिविजुअल में जाके आप इसको डिलीट और ऐड कर सकते हो। तो इस प्रकार से वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इंक्रीमेंट अपडेट करने की जानकारी जो दी है, जो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप एक लाइक कर दें। अगर आप और कुछ मुझसे पूछना चाहो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों, वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे लाइक कर दें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं IFM 3.0 से संबंधित न्यू वीडियो लाता रहता हूँ, तो दोस्तों आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।